दोस्तों इसी पर्वत के चोटी पर व्योमासुर राक्षस की गुफा मौजूद है दोस्तों। इसी गुफा में वह रहा करता था और इसी गुफा में भगवान कृष्ण ने उसका वध किया है और उसकी लाश पत्थर स्वरूप में आज भी यहाँ मौजूद है। पर्वत की ऊंची चोटी से खूबसूरत दृश्य देखें। ये है दोस्तों भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के निशान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको उस पहाड़ी पर लेकर के चल रहा हूँ जिस पहाड़ी पर भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के निशान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ व्योमासुर राक्षस की गुफा भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, व्योमासुर उसका नाम व्योमासुर था दोस्तों, तो उसी राक्षस की गुफा इस पहाड़ी पर मौजूद है दोस्तों। चलेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे उस गुफा के, और उसी गुफा में भगवान कृष्ण ने उसका वध भी किया है जिसकी लाश आज भी पत्थर के रूप में उस गुफा में दोस्तों मौजूद है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों भरतपुर ज़िले के कामयावन क्षेत्र में आया हुआ हूँ और यहाँ के पर्यटन को, यहाँ के तीर्थ स्थलों को, यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं दोस्तों उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उनके दर्शन करा रहा हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो ब्रजमंडल है वह भरतपुर ज़िले तक फैला हुआ है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले तक। और भरतपुर ज़िले का ये जो कामयावन क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है दोस्तों, ये जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है जो भरतपुर ज़िले का कामयावन क्षेत्र है। यहाँ पर सुंदर पहाड़ियाँ और घने जंगल हैं दोस्तों। पहले प्राचीन काल में द्वापर युग में दोस्तों जो कामयावन था, नाम ही इसका वन है, ये घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ियाँ थी दोस्तों। लेकिन पहाड़ियाँ तो आज भी हैं, लेकिन वो घने वो जो जंगल थे दोस्तों वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए क्योंकि सभी काट करके, वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि बना दी गई। तो उसी कामयावन क्षेत्र में हूँ दोस्तों, और अभी जिस पहाड़ी पर मैं आ चुका हूँ ऊपर, इसी पहाड़ी पर व्योमासुर राक्षस की गुफा भी मौजूद है और इसी के बिल्कुल ऊपर चोटी पर दोस्तों भगवान कृष्ण के हाथ और पैरों के निशान हैं। तो यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक बातों को भी बताऊंगा और यहाँ के धार्मिक महत्व को भी बताऊंगा इस स्थान के। दोस्तों व्योमासुर राक्षस बहुत ही खतरनाक राक्षस था दोस्तों, वह ब्रजवासियों को बहुत परेशान करता था, उनकी गायों को चुरा करके खा जाता था दोस्तों। जी हाँ, इस प्रकार का वह राक्षस था और साथ ही साथ कंस का गुप्तचर भी था दोस्तों व्योमासुर राक्षस। अभी सीढ़ियाँ जो जा रही हैं उसके गुफा तक हमको लेकर के जाएंगी, गुफा उसकी बहुत भयानक है दोस्तों, दिखाऊंगा आपको मैं, बिल्कुल लंबी चौड़ी गुफा है, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें दोस्तों, ये गुफा के पास हम आ चुके हैं, यही उसकी गुफा थी जिसमें वह रहा करता था और इसी में उसका भगवान कृष्ण ने वध किया था दोस्तों, यही उसकी वह गुफा है। बिल्कुल पहाड़ की ऊपर चोटी पर है दोस्तों, काफ़ी ऊँचाई पर है। इसी स्थान पर वह व्योमासुर राक्षस रहा करता था, साथ ही साथ वह कंस का गुप्तचर भी था दोस्तों, और भगवान कृष्ण को मारने के लिए भी आया हुआ था वह ब्रजमंडल में। और ये उसकी लाश है, लेफ्ट हैंड साइड में जो देखें अभी अभी आप, उसकी दो छाती और सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इसकी दो छाती है, लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखें आप, ये इसकी दो छाती है, उसके नीचे उसका पूरा शरीर है। गुफा दोस्तों अंदर तक है, लेकिन अंदर तक तो नहीं जा सकता क्योंकि अंदर सकरी है, बिल्कुल पतला है, अंदर पतला है इतना कि अंदर नहीं जा सकते, इसमें चमगादड़ ढेर सारे हैं दोस्तों। इसी गुफा में वह रहा करता था व्योमासुर राक्षस, और इसी पहाड़ी के ऊंची चोटी पर भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के छाप भी पड़े हुए हैं एक चट्टानी शिला पर, उसके भी दर्शन कराऊंगा। तो ये दो छाती है उस राक्षस की और ये उसका सर है, ये आप देखें यहाँ से भी क्लियर दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, वो उसका सर है और उसकी फिर गला है, फिर दोनों छाती है, इसके नीचे उसका पूरा शरीर है, आप ध्यान से देखें। अभी दोस्तों यहाँ से गुफा के ऊपर से जो है थोड़ा बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। ये सब क्षेत्र घना वन हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अभी क्या है, वन का समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ बची हुई हैं। और इसी पहाड़ियों पे दोस्तों भगवान कृष्ण ने दिव्य लीलाएँ की हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में आते थे दोस्तों अपनी गायों को चराने के लिए, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, ब्रजवासियों के साथ वह गायों को चराते थे अपने, और ब्रजवासी उनसे बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, व्योमासुर राक्षस रहता है, हमें बड़ा परेशान करता है, उसका आतंक है पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्रजमंडल में दोस्तों। इस
राक्षस का आतंक पूरे ब्रजमंडल में था। इतना भयानक राक्षस था ये व्योमासुर। गायों को उठा ले आता था, ब्रजवासियों के गायों को उठा लाता था। अभी देखें, ये इसकी लाश है, दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ये देखें, ये इसका सामने सर है, फिर गला है, फिर दोनों छाती आप देख रहे हैं, फिर उसके नीचे उसका पूरा शरीर है। आज भी यह पत्थर स्वरूप में यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। यह इसकी लाश है जो कि पत्थर स्वरूप में यहाँ पे मौजूद है इस गुफा में। तो दोस्तों, ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत खतरनाक राक्षस रहता है और इसका पूरा आतंक था पूरे ब्रजमंडल में और सभी को बहुत परेशान करता था यह राक्षस, और सभी इस राक्षस का वध चाहते थे, इससे मुक्त होना चाहते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण दोस्तों, एक ऋषि मुनि थे, उन्होंने आराधना भी की भगवान कृष्ण से कि आइए इस राक्षस का वध कीजिए। तो भगवान कृष्ण आए हुए थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ और इसी क्षेत्र में गाय चराने के लिए, और गायों को छोड़ देते हैं, चरने लगती हैं। तभी दोस्तों वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ छुपा छुपंता का खेल खेलने लगते हैं, छुपा छुपाई का। तभी यह राक्षस ग्वाल बाल का जो है ग्वाल बाल का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की टोली में शामिल हो जाता है, उनके मित्रों के साथ छुपा छुपंता खेलने लगता है, और इसी क्रम में वो क्या करता है, उनके मित्रों को इसी गुफा में ला ला करके छुपाने लगता है। जब देखता है कि अब भगवान कृष्ण के सारे मित्रों को मैं छुपा दिया, जब भगवान कृष्ण अकेले पड़ जाते हैं तभी उनके ऊपर यह टूट पड़ता है मारने के लिए। और भगवान कृष्ण तो साक्षात इष्ट थे, इष्ट देव भगवान थे दोस्तों, वो भगवान थे। तो तुरंत जो है ये राक्षस उनके ऊपर झपट्टा मारता है, तुरंत वो पहचान जाते हैं यह तो ग्वाल बाल मित्र के रूप में व्योमासुर राक्षस है। तुरंत दोस्तों सबसे पहले तो वह उससे पूछते हैं कि पहले बताओ मेरे दोस्तों को कहाँ रखे हो। फिर इसके बाद वह इस गुफा में उसको लेकर के आते हैं उस राक्षस को, सबसे पहले अपने दोस्तों को यहाँ से आज़ाद करते हैं, निकालते हैं, इसके बाद उसका इसी गुफा में वध कर देते हैं दोस्तों। जब वह उसका वध करते हैं तो पूरी पृथ्वी कांपने लगती है दोस्तों, जी हाँ। और जब उसका वध हो जाता है दोस्तों तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, ब्रजमंडल के कण कण में खुशी व्याप्त हो जाती है, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि क्योंकि उनको एक भयानक राक्षस से के आतंक से मुक्ति मिल गई दोस्तों, जी हाँ। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर एकदम चोटी पे चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के निशान, जी हाँ दोस्तों, उसके भी दर्शन कराएंगे। जब दोस्तों सब जगह खुशी का माहौल हो गया, सभी लोग जो है हर्षोल्लास में हो गए क्योंकि एक भयानक राक्षस से उन्हें मुक्ति मिल गई। और इसके बाद दोस्तों सभी का दिल जो है द्रवीभूत हो गया भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए कि भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा काम किया। और उसी क्रम में यह पत्थर भी पिघल गया दोस्तों, यह जो पहाड़ है, क्योंकि इसी पर्वत की गुफा में ही तो रहता था दोस्तों भस्मासुर कह रहा हूँ व्योमासुर राक्षस। और कहीं ना कहीं इस पर्वत को भी इस बात का तकलीफ था, कष्ट था, तो इस पर्वत को भी उस आतंक से, उस राक्षस से मुक्ति मिल गई दोस्तों। तो यह पर्वत भी खुश हो गया और अपनी खुशी में यह इतनी खुश हो गया कि इसका भी प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति उमड़ गया, इस पर्वत का भी, और यह पर्वत भी पिघल गया दोस्तों। कहते हैं ना प्रेम में पत्थर दिल भी पिघल जाना, तो बिल्कुल यह पर्वत भी पिघल गया दोस्तों। और इसी क्रम में भगवान कृष्ण के यहाँ पर हाथ और पैर के निशान छप गए दोस्तों। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हाथ का बिल्कुल निशान है। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे दोस्तों, बालक अवस्था में, तो उनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैरों के निशान इसी चट्टानी शिला पर मौजूद हैं जिनके मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो यहाँ से खूबसूरत दृश्य भी देखें दोस्तों, चारों तरफ का दृश्य देखें दोस्तों। जब बरसात हो जाती होगी तो ये क्षेत्र बिल्कुल हरे भरे हो जाते होंगे, बड़े सुंदर दिखते होंगे। और जो काम्यावन क्षेत्र है, भरतपुर जिले का काम्यावन क्षेत्र, अभी आप क्लियर देखें, ये है दोस्तों हाथों का निशान लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पैरों का निशान है। ध्यान से देखें आप, हाथ वाले निशान के जस्ट बगल में पैर का निशान है। बालक अवस्था का पैर था दोस्तों, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ थे। दर्शन करें, दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आपको भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के निशान के, और साथ ही साथ यहाँ से आपको मैं प्राकृतिक सुंदरता भी दिखा रहा हूँ। पर्वत की ऊंची चोटी पर हूँ दोस्तों और यहाँ से प्राकृतिक सुंदरता दिखा रहा हूँ। और काम्यावन में हूँ दोस्तों, जो कि ब्रजमंडल का ही क्षेत्र है, जो कि भरतपुर ज़िले में पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में। यहीं पर दोस्तों काम्यावन में ही भगवान कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया था अपने वृद्ध माता पिता के लिए, जिनमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उन सभी के दर्शन कराऊँगा दोस्तों अपने चैनल पर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर व्योमासुर की गुफा है जिसको मैंने आपको दर्शन कराया, इसके अलावा भोजन थाली मंदिर है दोस्तों, इसके अलावा चरण पहाड़ी है दोस्तों, ये सब यहाँ पे
तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं दोस्तों, जो कि भगवान कृष्ण के द्वापर युग की लीला से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिनके मैं दर्शन कराऊंगा चैनल पर। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी दोस्तों मैं आपको भगवान कृष्ण के हाथ और पैर के निशानों के दिव्य दर्शन कराया और अब नीचे उतरता हूँ। इसके बाद मैंने आपको उस भीमासुर राक्षस के गुफा का भी दृश्य गुफा का भी दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने उसका वध किया है दोस्तों, जिनमें उस गुफा में आज भी उसकी लाश मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों उसके गुफा के नीचे एक और गुफा है, अभी दिखाऊंगा इस अभी वह छोटी सी गुफा है दोस्तों, उसमें अंदर नहीं घुसा जा सकता, लेकिन वह भी एक छोटी सी गुफा ही है। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको मैं, यह दोस्तों भीमासुर राक्षस की जो गुफा जिसके दर्शन करा उसके नीचे है, ये देखें। यह भी हो सकता है द्वापर काल में बड़ी गुफा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ धस गया है पर्वत की चट्टान, जिसकी वजह से यह बिल्कुल सकरी बन चुकी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको घुमाया और दर्शन कराया और साथ ही साथ यहाँ के बारे में बताया, भीमासुर राक्षस की गुफा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्रश 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा।